रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार पूछताछ कर रहा था। रिया को गिरफ्तार करने के बाद अब उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। रिया आज जब पूछताछ के लिए आई थी तो उसके कुछ ही घंटे बाद उनकी पर्सनल गाड़ी को वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी, दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली और फिर आज तीसरे दिन 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग पैडलिंग मामले में है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल अब तक जैसा का तैसा खड़ा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का इंतजार फैंस पिछले काफी वक्त से कर रहे थे। माना जा रहा था कि रिया की गिरफ्तारी पहले सीबीआई द्वारा की जाएगी, लेकिन इस केस में ड्रग एंगल आने के बाद से इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई थी, जिसमें पहले ड्रग खरीदने के मामले में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और अब ड्रग मामले में ही रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई है। मालूम हो कि रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि एनसीबी के साथ कड़ी पूछताछ में उन्होंने तमाम नए राजों से पर्दाफाश किया है। इसके अलावा ड्रग्स केस में एनसीबी 25 बॉलीवुड सेलेब्स को समन करेगा। रिया ने उन बॉलीवुड पार्टियों के नाम भी लिए हैं जहां ड्रग्स ली जाती थी। एनसीबी सुशांत के को स्टार्स और एक्टर्स को भी समन जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।